होली के टाइम पर सब लोग अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं एंड हम पांच दोस्त अपने घर से बहुत दूर पिंडारी घाटी में स्थित भगवती माता के मंदिर के दर्शन करने निकल जाते हैं। तो कैसे मंदिर स्टॉप पर है, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा है देखो भैया, अगर दोस्तों के साथ अगर कभी तुमको ट्रिप करने का मौका मिले तो कभी मना मत करना, जाना मजे करना, क्योंकि दोस्तों से बेटर यारी कोई नहीं होती। एंड दोस्तों के साथ घूमने में मजा है ना जो भाई, वो और कहीं नहीं है। हैप्पी होली पसार भाई, पसार की वीडियो में कट उन्नति हो जाए। हैप्पी होली ब्रदर। देखो भाई, होली का टाइम था, थोड़ा बहुत होली हमने भी रास्ते में चलते चलते मना ली थी। तो गाइस, हमने यहाँ पे होली मना ली थोड़ा सा, और आप यहाँ से 20 किलोमीटर और बता रहा है प्रकाश यहाँ से। क्यों प्रकाश, इतना ही है क्या? 20 किलोमीटर मेरे भाई। तो बदिया कोट 20 किलोमीटर है। इसके बाद हम आज का प्रोग्राम क्या है, मंदिर में जाना था? नहीं, आज किस में आना है, मंदिर में जाना ना आज पहले। तो आज बदिया कोट के मंदिर में जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ जाएंगे। अगर टाइम से पहुँचे तो टाइम से पहुँच जाएंगे, नहीं तो कल देखेंगे। तो मिलते हैं आपको सीधा रास्ते। ये देखो प्रकाश के हाथ में इतने सारे, कहाँ के लिए भाई ये? सर मंदिर जा रहे हैं हम। तो भाई विक्रम भाई तोड़ रहा है फूल, एक्सपीरियंस है गांव का पूरा। ये भाई ब्लॉग कर रहे हैं आज से, आज ही स्टार्ट कर रहा है ये गिफ्ट देते हुए। तो भाई देखो, किसी को चाहिए तो हम पार्सल भी कर देंगे। क्यों प्रकाश, एड्रेस प्रकाश का एड्रेस मैं भेज दूंगा नीचे। प्रकाश लगा देना भाई, देख देना डिस्ट्रीब्यूटर ये यहीं का है, नंबर दे देना। देखो यहाँ इतने सारे लगे हैं, वहाँ पर लगे हैं ऊपर पूरे उसी के पेड़ है भाई। अपनी जर्नी को मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ एंड आप भी आइए हमारे साथ माँ भगवती के दरबार में, चलिए साथ चलते हैं। जैसे जैसे हम गांव के नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, क्योंकि जिस मंदिर के बारे में हमने अपने दादाओं दादी से कहानी सुनी थी, आज हम उस मंदिर के दरबार में पहुंचने वाले थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो गाइस, मोबाइल लेने के लिए वापस आना ही पड़ता है यहाँ पर। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, वहाँ से वापस आया हूँ। तो चल 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 चल। तो गाइस हल्की सी चढ़ाई है यहाँ तो, यहाँ से मंदिर की ओर सब लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। माँ भगवती के नारे लगाते हुए हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया। सामने भव्य मंदिर माँ भगवती का, दादा दादी की सुनाई कहानी,
सुकून सब एक साथ प्राप्त हो गई। हमने मंदिर की परिक्रमा की, आरती की, पूजा की, जितने भी मन में मनोकामनाएं थी सारी मांगी और थोड़ा यहाँ पर हमने दोस्तों के साथ फोटोज खिंचवाए। तो गाइस मंदिर के दर्शन पूजा कर ली हमने, अब मैं आपको मंदिर का आउटलुक दिखाता हूँ। पहले मैंने पूरा मंदिर आपको दिखा दिया, कमेंट में बताना कि कैसा लगा एंड आपको भी अगर आना है इधर तो आप आ सकते हैं। बहुत सारे पहाड़ी गाने की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ, तो देखो कितना मस्त लग रहा है मंदिर। तो अभी आप यहाँ से जाने का टाइम आ गया, अब चलते हैं नीचे विजय के घर पे, क्योंकि उसका मकान उसका गाँव यहीं है तो उसके घर पर स्टे करेंगे और निकलेंगे अपने गाँव को। तो एक लाइक तो बनता है गाइस।